दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में सीमाबंदी पर तीनों राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहा एक हफ्ते में बनाइए एक समान नीति। एनसीआर क्षेत्र में आने जाने के लिए होने चाहिए एक जैसे नियम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जारी किए जाएं कॉमन पास। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बैकफुट पर दिल्ली सरकार, डिप्टी सीएम बोले बॉर्डर बंद करने के पक्ष में नहीं। अगर उनको पूरे देश के लिए आवाजाही के लिए इस तरह से खोला जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं दो दिन में दिल्ली के सारे बेड्स भर जाएंगे। ये कोई ऐसा सीमा विवाद नहीं है, ये तो सिंपल अभी कोरोना की वजह से उपजा हुआ एक स्थिति है। हरियाणा सरकार ने भी खोले अपने बॉर्डर, डिप्टी सीएम बोले कभी भी आ जा सकते हैं दिल्ली के लोग। दिल्ली क्रॉस करना पड़ता है या दिल्ली से दोनों प्रदेशों में जाते हैं, उनके लिए बेहतर व्यवस्था हम बनाएं कि अनलॉक वन का जो सेकंड फेज होगा, जो 8 तारीख से शुरू होगा, उससे पहले बेहतर रास्ते निकाले जाएं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा एनसीआर के लोगों को नहीं दी जा सकती दिल्ली आने जाने की खुली छूट। यूपी सरकार ने दी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की दलील, कहा पैसे और उद्योग से अधिक महत्वपूर्ण है लोगों का स्वास्थ्य। केरल में धमाके की वजह से हथनी की मौत पर सुलग रही सियासत, सीएमपी विजयन बोले कुछ लोग चला रहे हेट कैंपेन। हथनी की मौत को लेकर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को घेरा, कहा अमेठी में इंसानों की नहीं ली सुध तो जानवरों की क्या लेंगे। स्मृति ईरानी से पहले मेनका गांधी ने भी साधा था राहुल पर निशाना, पूछा था क्यों नहीं करते कर। कुछ समझ तो आता नहीं किसी भी चीज में। मैं कहती हूँ अगर ये नहीं कि उनकी गलती है, सुल्तानपुर में, पीलीभीत में जब जानवर मरता है तो हमने तो किया नहीं, लेकिन फौरन ही हम उस पर उपाय ढूंढते फौरन। केंद्र सरकार ने केरल सरकार से मांगी घटना की रिपोर्ट, पर्यावरण मंत्री बोले किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। Somebody used fire crackers in pineapple. And they get burst in the mouth. And therefore, if elephant dies, this is very cruel. And this is not Indian culture. हथनी की मौत पर कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध, केरल सरकार को भेजे फूल और अनानास। मायावती ने हथनी की मौत को बताया बेहद शर्मनाक, कहा मददगार जानवर के साथ कोई ऐसे कर सकता है कैसे। केरल में वन विभाग ने हथनी की मौत पर दर्ज किया मामला, पटाखे वाले अनानास खाने के बाद गई है जान। हथनी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पटाखे से मुंह के भीतर घाव होने की पुष्टि, फेफड़ों में पानी घुसने से हुई मौत। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 9,300 से ज्यादा मामले, करीब 2,17,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 260 लोगों की मौत, अब तक 6,075 लोगों की जा चुकी जान। महाराष्ट्र में बेकाबू है कोरोना, पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,560 नए मामले, 75,000 के करीब पहुंची कुल मरीजों की संख्या, अब तक 2,587 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा, कहा करवाए जाने कम टेस्ट, हर रोज बढ़ रही है मरने वालों की संख्या। दिल्ली में भी फुल स्पीड में कोरोना, पिछले 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा नए मामले, 23,600 के पार मरीजों की संख्या, अब तक 606 लोगों की मौत। यूपी में अब तक कोरोना के 8,729 मामले, 229 मरीजों की जान ले चुका है वायरस। योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द किया अपना सरकारी विमान, कोरोना से संबंधित उपकरण और दवाएं मंगाने में होगा इस्तेमाल। योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ की बैठक, कोरोना से निपटने की रणनीति और जांच का दायरा बढ़ाने पर हुई चर्चा। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,286 नए मामले, 26,000 के करीब पहुंची कुल मरीजों की संख्या, अब तक 208 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 483 नए मरीज, कुल मरीजों की संख्या 18,000 के पार, अब तक 1,122 लोगों की मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 279 नए मामले, 9,600 के पार मरीजों की कुल संख्या, अब तक 209 की जा चुकी जान। लॉकडाउन को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हल्ला बोल, कहा फेल हुए तो अब राज्यों पर छोड़ी जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने मजदूरों को लेकर मोदी सरकार से पूछे सवाल, कहा गरीबों के हाथ में क्यों नहीं दिया नकद। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच द्विपक्षीय बातचीत, मौजूदा हालात पर वर्चुअल मीटिंग।
हमारी सरकार ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने का निर्णय लिया है। भारत चीन विवाद के बीच लद्दाख में नई हलचल, एलएसी पर बढ़ी सेना की हरकत, बोफोर्स की तैनाती। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के पहले जोर तोड़ तेज, कांग्रेस के दो विधायकों ने दिया इस्तीफा, राज्यसभा की दूसरी सीट पर कांग्रेस की पकड़ पड़ी भी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कोरोना के दौरान ईएमआई में मोहलत का मामला, आरबीआई ने किया विरोध, 2,00,000 करोड़ का होगा नुकसान। कोर्ट ने आरबीआई के हलफनामे पर वित्त मंत्रालय और दूसरे पक्षकारों से मांगा जवाब, 12 जून को अगली सुनवाई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 49 लोगों की मौत, 43,492 पर माया नगरी में पहुंचे संक्रमितों की संख्या। बिहार के कटिहार में प्रवासी मजदूरों पर लाठीचार्ज, घर तक पहुंचने का इंतजाम नहीं होने पर किया था विरोध। फिर सुर्खियों में है शाहीन बाग का इलाका, दोबारा सीएए विरोधी प्रदर्शन शुरू करने की आशंका को देखते हुए धारा 144 तक। इंदौर में रुई गोदाम में लगी आग, बारिश के बीच भी रह रहकर उठी लपटें। उज्जैन में बस स्टैंड पर खड़ी 7 बसों में लगी भीषण आग, कई घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में क्वारंटीन सेंटर में हंगामा, लोगों ने लगाया बदइंतजामी और गंदगी का आरोप। भीलवाड़ा में मनमानी बिजली बिलों से परेशान लोगों का अजीबोगरीब विरोध, शरीर से खून निकालकर बिजली अधिकारियों को पीने को कहा। मेरठ में साइबर सेल का सनसनीखेज खुलासा, एक ही आईएमईआई नंबर से चल रहे 13,000 से ज्यादा मोबाइल फोन, केस दर्ज। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर बड़ी, स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा, आने जाने वाले रास्तों पर नाकेबंदी, सादी वर्दी में भी जवान तैनात। पंचकुला में मनसा देवी मंदिर के खुलने की अनोखी तैयारी, दर्शनों की बारी के लिए हो रही है ऑनलाइन बुकिंग। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से की जा रही तैयारी, श्रद्धालुओं में 2 गज की दूरी बनाने के लिए किए जा रहे हैं निशान। तिरुपति के मशहूर बालाजी मंदिर में भी 8 जून से शुरू होंगे दर्शन, पुलिस प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा। कोरोना संकट में ट्रेन वेंडर्स ने निकाला रोजगार का नया तरीका, चाय बिस्किट के बदले बेच रहे हैं मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर। निसर्ग तूफान गुजरने के बाद भारी बारिश की चपेट में महानगरी मुंबई, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। कोरोना संकट के बीच भारी बारिश ने बढ़ाई मुंबई के लोगों की परेशानी, कई इलाकों में घंटों तक ट्रैफिक जाम। मुंबई के किंग सर्किल में पानी में डूबे बसों के चक्के, थाने में भी भर गया पानी। मुंबई के सायन इलाके में 24 घंटे की बरसात से तालाब में तब्दील हुआ पूरा इलाका, घुटने तक पानी में आने जाने को मजबूर है लोग। मुंबई में 24 घंटे में 50 मिलीमीटर बरसात, समुद्र में आज भी हाई टाइड, समुद्र के किनारे जाने पर रोक। मुंबई से सटे ठाणे में भी जोरदार बारिश, कोरोना संकट के बीच लोगों का घर से निकलना मुश्किल। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बीती रात से बरस रहा पानी, पश्चिम तट से टकराए निसर्ग तूफान का असर। प्रयागराज में सुबह से है बरसात का दौर, उमस वाली गर्मी से लोगों को मिली राहत। वाराणसी में बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक मेहरबान रहेंगे बादल। राजस्थान के कई इलाकों में झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। कर्नाटक के हुबली में जमकर बरसे बादल, पहली प्री मानसून बारिश से तर हुआ पूरा का पूरा शहर। शिमला में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में गिरावट। कश्मीर घाटी में अप्रैल के महीने तक हुई बर्फबारी से मछली के कारोबार में फायदा, उत्पादन में बढ़ोतरी। विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत लाने की खबर का हुआ खंडन, डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत न होने की बात आई सामने। 128 अंकों की गिरावट के साथ 33,980 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 32 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 10,029 पर बंद। कोरोना की लड़ाई में मदद के लिए यामाहा ने यूपी को दिए 25,00,000, पहले कर्मचारियों ने भी अपने वेतन से यूपी और तमिलनाडु को दिए थे 25-25 लाख। एविएशन सेक्टर में अनिश्चितता के चलते अडानी ग्रुप ने 3 एयरपोर्ट्स लेने में जताई असमर्थता, सरकार की निजीकरण की योजना को लगा धक्का। कोविड संकट से निपटने के लिए खुदरा विक्रेताओं को बैंकों से मिला कम समर्थन, आरबीआई का दावा, 52% निजी बैंकों से असंतुष्ट। चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा, एक रिपोर्ट में ग्राहकों की खरीदारी की आदतों में बदलाव नहीं आने का दावा। 1,00,000 से ज्यादा लोगों के आधार पैन की डार्क नेट पर हो रही है बिक्री, साइबर सिक्योरिटी कंपनी साइबल ने दी जानकारी। मई में हीरो मोटो को आपको पीछे छोड़, बजाज बनी नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी, एक्सपोर्ट करने में भी मारी बाजी। लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हुए टिकटों पर भारतीय रेलवे ने दिया 1,885 करोड़ का रिफंड, 2 महीनों के कैंसिल टिकट का रिफंड। गूगल ने प्ले स्टोर से हटाया रिमूव चाइना एप्स,
चंद दिनों में 47 लाख डाउनलोड के बाद पॉलिसी के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई। घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया। कैबिनेट सचिव करेंगे अध्यक्षता। ह्युंडई ने निकाला कारों के डिस्काउंट्स का जून ऑफर। ग्रैंड, आइटन, नियोस, इलांट्रा, सेंट्रो पर 1,00,000 रुपए तक के फायदे। अप्रैल मई में ईपीएफओ ने अपडेट की 52,50,000 सब्सक्राइबर्स की केवाईसी डिटेल। करीब 4,45,000 आधार नंबरों में किया सुधार। विदेश से आने वालों को रोजगार भी दिलाएगी सरकार। स्किल का पता लगाने के लिए किया स्वदेश लॉन्च। पूरे गुजरात में दाऊद ने बताया मनरेगा के तहत रोजगार देने का रिकॉर्ड। एक दिन में 2,25,000 से ज्यादा को रोजगार देने का किया दावा। अमेरिका से निकलकर दुनिया के और देशों में भी पहुंचा जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर बवाल। ग्रीस के एथेंस में प्रदर्शन के दौरान हिंसा। एथेंस में अमेरिकी दूतावास के बाहर जमा हुए हजारों प्रदर्शनकारी। बमबारी और आगजनी के बाद सुरक्षा एजेंसियों का सख्त एक्शन। जॉर्ज फ्लॉयड की घटना को लेकर लंदन में भी विरोध। रैली के दौरान ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार पर हमला। अमेरिका में अश्वेत की मौत को लेकर अर्जेंटीना में भी बवाल। सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। अमेरिका में भी जारी है कोहराम। व्हाइट हाउस के बाहर अब भी जमा है प्रदर्शनकारी। मिनीपोलिस में भी जोरदार बवाल। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले में एक पुलिस वाले पर हत्या का आरोप। 3 पुलिस वालों के खिलाफ वारंट जारी करने को लेकर भी चलेगा केस। पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे से अमेरिका में और बड़ा बवाल। विरोध में लॉस एंजलिस की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका के हालात पर जताई चिंता। कहा यह अमेरिका को बदलने का सही समय। अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन के बाद गूगल का बड़ा ऐलान। नस्लवाद के खिलाफ लड़ने के लिए $37 बिलियन देगी कंपनी। अमेरिका में हिंसा पर कनाडा ने जताई चिंता। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बोले सभी को साथ लेकर चलने और सुनने का वक्त। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट को नहीं करेगा प्रमोट। कहा उन आवाजों को नहीं बढ़ाएंगे जो नस्ली हिंसा को बढ़ावा देते। कोरोना वायरस को चीन और अमेरिका के रिश्तों में लगातार बढ़ रहा है तनाव। 16 जून से चीन से आने वाली उड़ानों की अमेरिका में एंट्री पर रोक। पूरी दुनिया में जारी है कोरोना का कोहराम। 65,87,000 के पार हुआ आंकड़ा। अब तक 3,87,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया में हर रोज सामने आ रहे हैं कोरोना के करीब 1,00,000 मामले। WHO ने दी एहतियात बरतने की चेतावनी। अमेरिका में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 19,00,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। अब तक 1,09,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। 5,84,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। 32,000 के पार मौत। इटली में धीरे धीरे कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। खोल दिए गए दूसरे देशों से आने वालों के लिए बॉर्डर। ब्रिटेन में देश के बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा जरूरी। नहीं तो देना होगा £1,000 का जुर्माना। उत्तर कोरिया में बच्चों के लिए खोल दिए गए प्राइमरी स्कूल। एंट्री से पहले बच्चों को किया जा रहा है सैनिटाइज। कराची प्लेन हादसे की जांच में बड़ा खुलासा। पायलट ने नहीं किया ITC के निर्देशों का पालन। 22 मई को 97 लोगों की गई थी जांच। साइबेरिया में आपातकाल की घोषणा। टैंक से 20,000 लीटर डीजल लीक होने के बाद पुतिन सरकार का फैसला। 6 महीने बाद समंदर में वापस पहुंचा रूसी टालशिप क्रूजिंग शर्ट। लेनिनग्राद में सेना ने दी सलामी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।